हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एच डी लर्निंग में। चलिए इस वीडियो में जानते हैं इमेज और डॉक्यूमेंट को पीडीएफ कैसे करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। चले जाने के बाद यहाँ पर आके एडोब स्कैन ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। मेरा पहले से ही डाउनलोड हो चुका है, तो आपको डाउनलोड कर देना है। मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने से कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ से यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर देना है। इमेज पर जाकर सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे देखिए टिक वाला मार्क दिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर पेज 10 तक प्रोसेसिंग हो रही है पीडीएफ के लिए। हमको थोड़ी देर वेट कर लेनी है। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप जल्दी से जल्दी पा सके। देखिए हमारा इमेजेस कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रोटेट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए सारे के सारे पेपर रोटेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके हम जिस भी कलर से हमारे पीडीएफ को सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ओरिजिनल कलर दिया हुआ है, यहाँ पे ऑटर कलर दिया हुआ है, यहाँ पे लाइट टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रे स्केल दिया हुआ है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड भी दिया हुआ है। यहाँ पे हम ग्रे स्केल चूज करते हैं। देखिए इमेज किस तरह का दिखाई दे रहा है। मैं इसको ओरिजिनल कलर पे रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल कलर पे क्लिक करके अप्लाई टू ऑल पेजेस को ऑन कर देता हूँ। देखिए हमारा सारे के सारे पेपर ओरिजिनल कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए हमारे सारे के सारे पेपर ओरिजिनल कलर में परिणत हो गया है। इसके बाद यहाँ पे सेव एज पीडीएफ का दिखाई दे रहा होगा, आपको सेव कर देना है उसके क्लिक करके कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे सेव एज पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए हमारे सारे के सारे इमेज पीडीएफ में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पे मोर पे क्लिक करके हम उसके नाम को चेंज कर सकते हैं पीडीएफ का। देखिए यहाँ पे क्लिक करके मैं नाम दे देता हूँ ABCDEF, और यहाँ पे रीनेम कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ABCDEF जस्ट नाउ। देखिए हम जो जिस नाम से सेव किया उसका नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ से इस वीडियो को आप सेव कॉपी टू डिवाइस भी कर सकते हैं। आप डिवाइस में भी कॉपी करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव में क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको मूव भी कर सकते हैं किसी की फोल्डर में भी, और इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ इस पीडीएफ को। देखिए हमारा पीडीएफ तैयार हो गया है। पहला पेज, सेकंड पेज, देखिए इस तरह के 10 पेजेस है हमारे पास। पीडीएफ तैयार हो गया है। इसको शेयर के बटन से भी शेयर कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी शेयर कॉपी भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप बिना आपके आपके द्वारा पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ और एक वीडियो का लिंक, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं विदाउट आप कैसे पीडीएफ बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe, like and share.